गुड मॉर्निंग क्लास सर। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी व्याकरण, अनुपम हिंदी व्याकरण। और इसमें हमारा जो है अभी तक 3 चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सबसे पहला चैप्टर था भाषा, व्याकरण और लिपि, दूसरा था वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं, और अभी तक हमने पढ़ा शब्द और वाक्य। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमारा जो है ये पाठ कंप्लीट हो चुका है और जितने भी इसके अभ्यास प्रश्न थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 संज्ञा नाउन, पेज नंबर आपका 15। इसको ओपन कर लीजिए, संज्ञा है पेज नंबर 15 है बच्चों, तो सभी बच्चे इसको ओपन कर लीजिए और ध्यान से इसको सुनेंगे। ये रहा आपका संज्ञा नाउन अध्याय 4। तो सबसे पहले हम चित्रों से यहाँ आपको परिचित करा देते हैं। ठीक है, तो आइए चित्र में देखिए कि क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चित्रों में क्या क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तोता, पार्क, गर्मी के वजह से यहाँ पे देखो नदी में तो गर्मी, राम, पत्ती, वृक्ष, कोयल, सेब, अक्षिता, खुशी, झोपड़ी और झूला। ठीक है ना, तो ये नाम दिए गए हैं, आपने सुना देखा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पढ़िए, उपर्युक्त चित्रों को अपनी अच्छी तरह देखा होगा। ठीक है ना, सारे चित्रों को आपने देखा होगा अपने सामने, इन चीज़ों को आपने देखा होगा। चित्र तो आपने देख ही लिया, लेकिन आपने ये सब चीज़ें अपने सामने भी देखी होंगी। अब आपको पता चल गया कि इन सब के अपने अपने नाम हैं, इन्हें आप अवश्य पहचानते होंगे। ठीक है ना, सबके अपने अपने नाम हैं और आप उनको पहचानते होंगे। देखो जैसे यहाँ पे व्यक्तियों के नाम, अब यहाँ पे व्यक्तियों के नाम अलग अलग उन्होंने यहाँ पे करके रख दिया है। तो सबसे पहले व्यक्तियों के नाम यहाँ पे आए, राम, अक्षिता। ठीक है, राम और अक्षिता क्या है, व्यक्तियों के नाम हैं। फिर है प्राणियों के नाम, प्राणी, तोता और कोयल। तोता और कोयल क्या हैं, प्राणी हैं। फिर यहाँ पे आए बच्चों वस्तुओं के नाम, अब वस्तुएं हमको झूला यहाँ पे दिख रहा है, सेब दिख रहा है, ठीक है ना, फल दिख रहे हैं, फल यही हुआ। ठीक है, पत्ती दिख रही है, तो ये सब क्या हैं, वृक्ष दिख रहा है, ये क्या हैं, वस्तुओं के नाम, वस्तुएं हैं ये। अबे स्थानों के नाम, स्थान कहाँ है, झोपड़ी है और पार्क, एक जगह है। ठीक है ना, एक जगह का नाम है, स्पेस का नाम, तो झोपड़ी और पार्क। फिर है भाव, अंदर से जो फीलिंग आती है हमें, जैसे यहाँ पे अक्षिता क्या है, खुश है, खुशी। ठीक है, खुशी की हमें क्या आ रही है, एक फीलिंग आ रही है, भाव आ रहा है। और पार्क में देखो क्या हो रहा है, बच्चे नदी में नहा रहे हैं, ठीक है, पानी में नहा रहे हैं, तो गर्मी, गर्मी का भाव हमें आ रहा है, तो हम पानी में जाके नहा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, सुन रहे हैं ध्यान से, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आ गया ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, सब कुछ आया, तो यही सब क्या होती है बच्चों, संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पे हम संज्ञा के कुछ और भी उदाहरण हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया संज्ञा के कुछ और उदाहरण। तो वस्तुओं के नाम, यहाँ पे सबसे पहले आया है वस्तुओं के नाम, दवात, पेन, सोना, चांदी, पीतल, दूध, दही, पानी, पुस्तक, लोहा आदि, ये सब क्या है,
वस्तुओं के नाम हैं, ठीक है। वे स्थानों के नाम, प्लेस, लाल किला, घर, विद्यालय, मैदान, जर्मनी, बगीचा, दिल्ली आदि, ये सब क्या हैं? स्थानों के नाम हैं। व्यक्तियों या प्राणियों के नाम, व्यक्तियों प्राणियों के नाम, श्रीराम, महात्मा गांधी, मैरी कॉम, जागीर, अब्राहम, माता, पिता आदि, ठीक है। तो ये सब क्या हैं? व्यक्तियों या प्राणियों के नाम। फिर है भाव के नाम। अब भाव देखो, जैसे सुंदरता, वीरता, मिठास, आपको पता चलता है कि मीठा है, खट्टा है, बूढ़ा है, जवान है, ठीक है। यहाँ पे सूखा है कि हरियाली है, मित्रता है कि शत्रुता है, बचपन है, बुढ़ापा, मोटापा आदि, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? भाव को प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए, इसके अतिरिक्त फूलों, सब्जियों, दिनों, महीनों, पहाड़ों, नदियों और देशों के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। समझ रहे हैं आप? फूल, सब्जियां, दिन, महीने, पहाड़ों, नदियों के नाम भी क्या होते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आज आपने क्या करना है, दो हमने यहाँ पे यहाँ पे डेफिनेशन दी है, संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसको आपने क्या करना है, आज अपनी कॉपी पे लिखना है। और यहाँ पे जो लिखा है, व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों और भावों के नाम, इनको अपनी कॉपी पे आज आपको लिखना है।